और नेक्स्ट में आते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट आर्ट है कि अगर आप कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम्स को सिलेक्ट करते हैं, ओके कर दें तो ये डायग्राम आ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं कि आप जो ये कोर्स कर रहे हैं इसका नाम है MS PowerPoint, PowerPoint और PowerPoint हमारे पास जो था यहाँ पे 2019 है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था फाइल, और उसके बाद जो है फाइल, उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें होम, देन इनजिट, और उसके बाद जो था इसमें डिज़ाइन, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो सारी किसी की यहाँ पे ऐसे इंसर्ट हो जाएंगी। मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप ऐड शेप में आके, बल्कि आप डिज़ाइन पे आते हैं, ऐड शेप में आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ और शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड ब्लिट्स करना चाहें आप इसी के अंदर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे न्यू कर लिया, सेव कर लिया, क्लोज कर लिया, या इस तरह से ही आ जाएगा। टेक्स्ट पेन पर क्लिक करें, पेन हाइड, फिर एक्टिव भी कर सकते हैं। प्रमोट में जो है ये प्रमोट हो जाएगा और डी प्रमोट वैसे ही आ जाता है। राइट लाइन में ये जो लेफ्ट में था ये राइट में आ जाएगा। रिमूव आप या डाउन कर सकते हैं, फिर यहाँ पे इफेक्ट्स है या ये चीज़ें आप देना चाहें तो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। और उसके बाद कलर्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं तो वो आप कलर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इफेक्ट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं वो आप सारी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिसेट करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा। और अगर आप उसे शेप में करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट टू शेप कर सकते हैं या कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं, तो ये बेसिकली एक शेप की शक्ल में बन के आ जाएगा। और फॉर्मेट जो है इसी का है, अगर आप यहाँ पे कलर्स वगैरह देंगे तो वो अभी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या जो बाकी ये फॉर्मेटिंग है वो सारी शेप्स के हवाले से इसकी एक्टिव हो जाएगी।